आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। और दूसरे की तकलीफ प्राय पीड़ को जो इंसान समझेगा उसका भलाया भगवान करते हैं। सजनों, इस दुनिया में चार चीज ऐसी बताई हैं जिनको नमन करने से, जिनकी सेवा करने से इंसान का बेड़ा पार हो सकता है, और उन चार चीजों के बाकायदा उदाहरण दिए हैं कि किस किस की सेवा किसने करी और वो कैसे पार होया। कोशिश करेंगे, बहुत कम सुनी हुई रागनी आपके बीच में होगी। क्या कहा कवि ने, क्या संस्कृति का नाश हो गया। नाश, इस नाश का जिम्मेदार और कोई नहीं, इस संस्कृति के नाश के जिम्मेदार हम खुद हैं। ब्याह शादी हो, दसोटन हो, छोरा हो रहा हो, एक डीजे उस पर न्यू नहीं बेरा पट्टा के तबा जहर के हम सुना हर के हम गावा। अच्छी बातों को सुनना जिसमें थोड़ा बहुत हमने कुछ पता चल रहा है कि हमने सेवा किसकी और क्यों करनी चाहिए। मात पिता से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। माँ बाप कर न भूखे मरे और छोरा गाड़ी लेकर अपने बड़का ने लेकर तीर्थ हांड है, वो तीर्थ लग गए को ना लोगो, कितना ही किम्मे कर लियो। सोचने की बात यह है ऐसे मारे पपीसे की कमी कोनी, लेकिन हमारा ढंग गलत हो गया उसको बरतने का। ढंग तो चीज बरतता तो बेड़ा पार हो गया। हमारे दादाजी छिल्लर गांव से, हमारे दादाजी छिल्लर गांव से सरपंच और 85 साल के बूढ़े हैं। ये समझते इन बातों को, जब ये बात सुनते हैं तो जवान हो जाते हैं। दादा 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं रामफल सरपंच, बार बार धन्यवाद। बीच में यूट्यूब चैनल आर के म्यूजिक भाई पवन सांजरवासिया 100 रुपए से मान सम्मान देते हैं, बार बार धन्यवाद। पहली कली में माँ बाप की सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण, कोई न्यू का सबल मैं करूं छू, अरे सेवा तो वह कर गया जिनका नाम अमर हो गया। किसका नाम अमर होया माँ बाप की सेवा में, गौर करिए लोगों, कौन था, क्या कहा।
एक हांडी में तो पेट करे थे, एक हांडी में तो पेट करे थे उस श्रवण की रानी ने। अरे पूछा पकड़ के श्रवण रोया मखो जू चंदकानी ने। अरे मात पिता ने मकंग नवाजू तज तू रचतानी ने। और दशरथ जी का तीर लग्या जब कवर गया पानी ने। दशरथ जी का तीर लग्या कवर गया पानी ने। और मात पिता बहुत ही आदरणीय व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सुनील चांदवासी छोर पे समान समान देते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। लोगो गौर करियो, छाती में तीर लाग रहा तीर दशरथ का श्रवण के, और फिर भी श्रवण ने न्यू नहीं कही कि हे महाराज मेरी जान बचाओ। फिर भी श्रवण का मुंह तो नू लकड़ी कि मेरे माँ बाप का धोर पानी ले जाओ, वो तसाए मरे हैं। ऐसा बेटकड़े में ले एक बार जोरदार ताले हैं से पितर भगत भगवान करे सबके घर में पैदा हो। जब बने बात दूसरी कली में गुरु का महत्व, एक ऐसा गुरु है लोगो जिसने ठोकर मार दी कि मैं तन अपना चेला नहीं बनाता नहीं बनाता नहीं बनाता, लेकिन फिर भी उसने उसको अपना गुरु बनाया। हर गुरु भी ऐसा बनाया लोग, दुनिया में नाम जना दिया। कौन था वो, किसका उदाहरण दिया, क्या कौन था वो चेला, कौन था ऐसा चेला जो गुरु ने भी ठोकर मार दी उसका नाम जना दिया। भक्ति तो यह हो सा लोगो नाते, आजकल जमाना आ रहा है 44, और 44 का मतलब होता है तू नहीं तो और सही। लेकिन उसने गुरु को छोड़ा नहीं, किसका नाम लिया, क्या उदाहरण दिया। एक पील का बेटा, एक पील का बेटा शिक्षा खातर, एक पील का बेटा शिक्षा खातर गया गुरु के धोरे। पील जाने के वो गुरु नाट गया, वो खड़िया खड़िया शर खोरे। टिकी आत्मा गुरु अंदर वो पंड्या धर्म के डोरे। गुरु बना लिया माटी का चाटिया काम के गोरे, गुरु बना लिया माटी का चाटिया काम के गोरे। और गुरु ज्ञान ने सेवा करनी चाहिए।
तुम्हारी माता बहन भी यहां बैठी है। गौर करना, ज्यादा नहीं तो 75% मामले सास बहू का झगड़ के पाऊंगे। क्यों? बहू कन्यू याद को नंदी अख्तर ने भी कदे सासू बनना से। सास भी बहू थी, एक सीरियल ब्याह करता। अगर अपनी सासू की कदर करेगी उसके बालक वे देखेंगे तो उसकी कदर भी होगी। हर जब अपनी सासू ने ठुकरावेगी तो मालिक का घर देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, उसका फल मिलेगा। और आजकल तो ईसाओ डुब्बा पड़ रही है, जब विदा करें छोरी ने कई बार देखने में आया सो नुका करें हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। छोरी ने विदा करेगी कान में नू कहेगी सारी तो एक सीना होंगी एक आधे हो सगर खोवा के बेटी जब थोड़ी सी भी उक चूक बन जाए तो एक मिसकॉल मार दिए फिर मैं आप देख लूंगी। पहली पढ़ाई आए बेटी ते पढ़ाई जा तो घर बस है गुना लोगो। हमारे संस्कार हमने याद रखने पड़ेंगे, भूलना पड़ेगा उस बुरी बातों को। बेटी ने अपनी ना अच्छी शिक्षा दो बेटी। आज तो पाछे तेरे सासू ससुरा तेरे माँ बाप से अच्छी सेवा करिए बेटी, अच्छा फल पावेगी। दूसरी तीसरी कली में किसका उदाहरण दिया कवि ने, क्या कहा? ये बुजुर्ग बैठे हैं, कमंड चाहे भगवान ने कराया हो लोगो, भगवान ने भी उस कमंड का दंड भुगतना पड़ेगा। शंकर भगवान के गले में एक नाग, उस नाग का नाम है वासुकी नाग। वासुकी नाग का कमंड हो गया, अब भाई तू तो भगवान का दोहरा रह से तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। रात न 12 बजे वो वासुकी नाग मतंग ऋषि के डेरे में चला गया और बाबा जी तनु कर लगे, बाबा जी दूध चाहिए दूध। मतंग ऋषि नु कर लगे, भाई अरे रात ने दूध कड़े तावे धार काटन काटे मोसके सवेरे के सन कमंड में आके वासुकी नाग ने मतंग ऋषि की गऊ का डंक मार दिया। लोगो मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया वासुकी नाग को। और उस नाग का क्या हाल होया, कहने का मतलब यो सब घमंड को एक करके देख लियो, भगवान ती भी नहीं बचे तो अपनी थारी औकात खड़े है। क्या कहा? वाश्य का मन गया लोभ में, वो तो चाल्या उठ रात ने मतंग ऋषि पे दूध मांग लिया। बड़ गया फर्क बात में, दूध मिलया ना गऊ दसी उसका लाग्या को घात में। एक अजता बेटा गऊ चराया ले कन्यार हाथ में, अजता बेटा गऊ चराया ले कन्यार हाथ में। रे बाकी दसती लक्ष्मण से नाम धराइए, सतगुरु की सेवा करनी चाहिए। अरे इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए, और
बार जितने भी सज्जन इस पंडाल में बैठे हैं, जिसका ध्यान हो एक बार हाथ उठा के बताएं आवाज ठीक आ रही है क्या। वाह जी वाह, सबको आ रही है, बड़ा बड़ा धन्यवाद। आखिरी कली में क्या कहा क्या कहा? सेवा भजने बराबर हो से यू बड़े बडेरे के घे, इन चारा की सेवा खतर जो तन पे दुखड़ा से घे, इन चारा की मेर फिरिए पाप कर्म सब दे घे, इन चारा दम खड़ा बोला वो अदम बेचारे रे घे, इन चारा दम श्री लक्ष्मी चंद तू चाटिया हर की लीला करिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर लाइनें अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो एक बार जोरदार तालियां लगाएं आज के इस कार्यक्रम के लिए। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। धन्यवाद।